खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। जेडीयू ने तेज प्रताप तेजस्वी के नामांकन रद्द करने की मांग, संपत्ति छिपाने का लगाया गंभीर आरोप। जेडीयू ने चुनाव आयोग से शिकायत कर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का नामांकन रद्द करने की मांग की। जेडीयू के शिष्टमंडल ने दोनों भाइयों पर चुनावी फलफनामे में संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया और फ्रॉड बताया है। बिहार में फिर मिले कोरोना के 846 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,18,964। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में हर रोज पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 846 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,18,964 हो गई है। बिहार में फिलहाल 7,882 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं। सभा के दौरान सीएम पर भीड़ ने फेंका प्याज, नीतीश कुमार बोले और फेंकू। हरखाली में सीएम नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान भीड़ की ओर से सीएम को निशाना बनाते हुए मंच पर प्याज फेंका गया। इस दौरान तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने सीएम को कवर कर लिया, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि छोड़ दीजिए, इन पर ध्यान मत दीजिए। फेंकने वाले से सीएम नीतीश ने कहा कि और फेंको। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया मतदान। भागलपुर नाथ नगर की दुर्गाचरण प्राथमिक विद्यालय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। इसी दौरान उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर से NDA की सरकार बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि भागलपुर लोकसभा के सभी सीट पर NDA के सभी प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहे हैं। बिहार के दूसरे चरण में दोपहर के 3 बजे तक 44.51% वोटिंग संपन्न। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज संपन्न हो गई। बिहार विधानसभा के लिए दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। इन 94 विधानसभा सीटों पर कुल 1,463 उम्मीदवारों की किस्मत मतदाता तय करेंगे। राज्य भर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा जेडीयू मंत्री नीरज कुमार ने लगाया आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। इसी कड़ी में जेडीयू के नेता सह बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने अपने चुनावी हलफनामे में जो जानकारी दी है वह गलत है। बदला दिखा वोटरों का हौसला और मिजाज, नई सोच के साथ पहुंचे बूथ पर। भागलपुर और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में इस बार वोटरों का हौसला और मिजाज बदला दिखा। वोटर पूरे सोच के साथ मतदान केंद्र पहुंचे थे। मंगलवार को वोट की रणनीति के सामने सभी जातीय समीकरण ध्वस्त होता दिखा। जहां किसी दल का वोट था वहां किसी दूसरे प्रत्याशी के खाते में चला गया। मतदाताओं ने दल और उसके गठबंधन के पार्टी लाइन से अलग हटकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। किसी ने विकास को महत्व दिया तो किसी ने अपने खास कुनवे को। वोट प्रत्याशियों की जीत के दावे के बीच फैसला 10 नवंबर को होगा। पीएम मोदी बोले RJD वालों को भारत माता से दिक्कत, भारत माता की जय बोलने से उन्हें बुखार आ जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण को लेकर जोरों शोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है।
तमाम पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष और खासकर जंगल राज को लेकर जमकर निशाना साधा। नीतीश पर प्याज फेंकने वाली घटना की चिराग ने की निंदा। सीएम बनने के सवाल पर कहा, लिख लीजिए अब वो सीएम नहीं बनेंगे। मधुबनी के हरखाली विधानसभा क्षेत्र में आज उस समय अफड़ा तफड़ी का माहौल व्याप्त हो गया जब नीतीश कुमार की सभा में उन पर प्याज फेंका गया। नीतीश कुमार जब भाषण दे रहे थे तब अचानक की भीड़ से किसी ने उन पर प्याज फेंक कर अपना आक्रोश जताया। नीतीश कुमार जब प्याज फेंका गया तो सुरक्षा के लगे जवानों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। इस बीच नीतीश कुमार ने अपना भाषण नहीं रोका और कहा, जिनको जितना मुझे कोसना है कोसो, लेकिन राजद की सरकार आई तो फिर से जंगल राज आएगा। आरा में 9 लाख की लूट, बैंक से रुपये लूट कर भागे अपराधी। अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधी एक बैंक से 9 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।